स्कैल्प पेन या फिर पेन ऑन टॉप ऑफ योर हेड, बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग आप में से जिन लोगों ने क्लिक किया है इस वीडियो के ऊपर, यू स्टिल हैव पेन इन योर स्कैल्प एंड दैट्स व्हाई यू वांट टू वॉच दिस वीडियो एंड लर्न मोर अबाउट इट। सो आई एम गोना मेक श्योर दैट आपने जो इस वीडियो पे क्लिक किया है इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वर्थ योर टाइम। एंड आई से स्कैल्प पेन, आई बेसिकली मीन कि जब हम बाल को इधर से उधर या बालों की डायरेक्शन चेंज करते हैं या कोम करते हैं या बालों को जो स्टाइल करते हैं तब जो है हमारे स्कैल्प में एक पेन होता है, या फिर कुछ लोगों को जो है वो इंटरमिटेंटली पेन आता है, आता है कभी जाता है कभी। कुछ लोगों को स्टिंगिंग पेन होता है, कुछ लोगों को बर्निंग सेंसेशन होता है, कुछ लोगों को टिंगलिंग होता है, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स है। कौन सा सिम्टम क्या दर्शाता है, क्या चीज़ें गड़बड़ हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर, वी आर गोना टॉक अबाउट एवरी सिंगल थिंग। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब 2015 में 2016 में जब मुझे एक्चुअली हेयर लॉस शुरू हुआ था, जिसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है चैनल के ऊपर, आई हैड एक्चुअली गॉन टू द डॉक्टर विथ माई मेजर कंप्लेंट बीइंग पेन इन द स्कैल्प, ओके। एंड एट दैट टाइम द डॉक्टर वॉज नॉट एबल टू टेल मी कि वॉट इज द डेफिनेटिव रीजन, कि ये मुझे पेन क्यों हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आई एम कमिंग टू यू विथ रीजन्स, द सोल्यूशंस एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। सबसे पहले शुरू करते हैं कि वॉट कॉजेज स्कैल्प पेन। सबसे पहले है ट्रैक्शन एलोपेशिया। कुछ लोग होते हैं लंबे बाल वाले, बहुत जोर से पोनीटेल, बहुत जोर से चोटी या ब्रेड्स बांधते हैं एंड घंटों घंटों तक वो इतनी टाइट जो है वो पोनीटेल रहती है जिसकी वजह से बाल खिंचे हुए रहते हैं। फिर आप जब खोल देते हैं उन बालों को, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग द पेन। नेक्स्ट रीजन इज स्कैल्प सोरायसिस। अब सोरायसिस एक ऐसी कंडीशन है, आप उसको इम्यून कंडीशन भी बोल सकते हो, बट उसके अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इचिंग, बहुत ही ज़्यादा पेन, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, बिकॉज ऑफ विच ऑल्सो यू कुड फेस दिस इशू। उसके बाद आता है सिबोरेक डर्मेटाइटिस, समवेयर क्लोज टू इट, जिसको हम डैंड्रफ भी बोलते हैं। फ्लेकीनेस होती है, ऑयलीनेस होती है, कुछ लोगों को ड्राइनेस होती है। इन दिस कंडीशन ऑल्सो देर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन विच कैन लीड टू अ लॉट ऑफ पेन। उसके बाद आता है स्कैल्प इन्फ्लेमेशन। बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को आदत होती है कि बहुत जोर जोर से खुजाते हैं या फिर बहुत जोर से मसाज करते हैं, या फिर उनको लगता है कि ड्राई मसाज, बिना तेल के मसाज करने से उनकी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी एंड इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ हेयर ग्रोथ। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, विगरस मसाजिंग, विगरस कोम्बिंग, विगरस इचिंग, all of these also lead to a lot of inflammation on the scalp, uski wajah se aapko scalp pain ho sakta hai. Next reason is tension and headaches because of that tension. बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है एंड उस स्ट्रेस को वो इतना पर्सनली ले लेते हैं दैट इट स्टार्ट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ टेंशन इन द बॉडी। पूरी बॉडी उनकी जकड़ जाती है विदाउट देम कॉन्शियसली नोटिसिंग दिस फैक्ट। वन ऑफ द थिंग्स दैट बिकम्स सो टेंस्ड इज योर स्कैल्प एज वेल। हमारी जो पूरे नेक एंड अबव जो है वो इतना टाइट हो जाता है, लोगों को सबसे पहले नेक पेन, शोल्डर पेन नोटिस होता है, लेकिन स्कैल्प पेन बहुत बाद में नोटिस होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ टेंशन, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बीइंग अक्यूमुलेटेड एंड कॉजिंग अ लॉट ऑफ टाइटनेस ऑन द स्कैल्प। उसके बाद आता है एक रीजन जो कुछ लोगों में कॉमन है, विच इज एलर्जिक रिएक्शंस। नया शैम्पू यूज़ कर लिया, नया ऑयल यूज़ कर लिया, नया सीरम यूज़ कर लिया, नया कंडीशनर यूज़ कर लिया विदाउट डूइंग अ प्रॉपर पैच टेस्ट, स्कैल्प पे लगा दिया भर भर के, अब हो गई एलर्जिक रिएक्शन एंड दैट एलर्जिक रिएक्शन कैन लीड टू अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन, अ लॉट ऑफ इचिंग, अ लॉट ऑफ पेन एंड अ लॉट ऑफ रेडनेस एज वेल। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, विच इज ट्राइकोडोनिया। एंड नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब ट्राइकोडोनिया जो है इज द कंडीशन दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, विच इज स्कैल्प पेन। सम स्टडीज हैव ऑल्सो शोन दैट पीपल हु हैव ट्राइकोडोनिया ऑल्सो हैव हायर लेवल्स ऑफ सब्सटेंस पी विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब इसके अंदर एक सब कैटेगरी है, या फिर ट्राइकोडोनिया इसका एक सब कैटेगरी है, विच इज कॉल्ड स्कैल्प डिसेस्थेसिया। ओके, अब ये इतना बड़ा नाम से डरिए मत, बेसिकली दिस इज कैटेगराइज बाय स्टिंगिंग पेन एंड बर्निंग ऑन द स्कैल्प। तो अगर आपको वो सिम्टम्स है देन दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाय अ मेडिकल प्रोफेशनल एंड यू माइट नीड अ मेडिकल कंसल्टेशन फॉर दैट। नेक्स्ट रीजन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आप सोच रहे होगे कि यार इंसुलिन रेजिस्टेंस हर चीज में ये इंसान जो है वो घुसा ही देता है, कुछ भी हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड दैट इज द ये मेरे चॉइस से नहीं हो रहा है, दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ। उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि दैट समवेयर डाउन द लाइन causes nerve damage as well, okay? Too much blood sugar, too much insulin causes nerve damage. Nerve damage can lead to scalp pain. तो ये एक direct correlation नहीं है, लेकिन ये via काफ़ी सालों बाद
हो सकता है दैट बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस यू गॉट डायबिटीज, बिकॉज ऑफ डायबिटीज यू गॉट न्यूरोपैथीज, बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथीज यू गॉट स्कैल्प पेन। उसके बाद आता है एक बहुत ही सिंपल रीजन, छोटा रीजन बोल सकते हो, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, एंड दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। कुछ लोगों के अंदर विटामिन B1, B12, स्पेशली दीज टू विच आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू नर्व फंक्शन, उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम होगा। विटामिन डी, मैग्नीशियम के अंदर भी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम होगा। एक और चीज काफी ज्यादा स्टडीज के अंदर ना पाई गई है दैट ट्राइकोडोनिया इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सीन विथ टीलोजन एफ्लुवियम बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव वेरी सिमिलर रूट कॉजेस। अब इसके लिए कौन से रेमेडीज अवेलेबल है? सबसे पहले तो वील गेट ओवर विथ ऑल द बेसिक चीजें जो आपके भी दिमाग में आएंगी आफ्टर नोइंग वॉट इज एक्चुअली कॉजिंग दिस। सो सबसे पहले यू हैव टू अवॉइड टाइट हेयर स्टाइल्स। उसके बाद वॉश योर हेयर रेगुलरली विद अ शैम्पू बट नॉट ओवरली रेगुलरली। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डेली शैम्पू करते हैं, दैट कैन लीड टू ओवर ड्राइंग ऑफ योर स्कैल्प। ओवर ड्राइंग ऑफ योर स्कैल्प कैन ऑल्सो कॉज क्रैकिंग ऑफ द skin, the top layer of your skin, which can cause scalp pain as well. उसके बाद use a wide tooth comb. बहुत लोग मैंने देखा है बाल thick है, उनके बाल बहुत dense है and they are prone to having tangles. फिर भी सबसे fine tooth comb लेके ही comb करेंगे और खींचेंगे अपने बालों को. That is something that you have to avoid very very strictly. Use a wide tooth comb, detangle your hair, आराम से take your time. That is also something that's going to help you. उसके अलावा ट्राइकोडोनिया का स्पेसिफिक जो है ट्रीटमेंट्स कुछ ही अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। वन थिंग इज गोइंग टू बी टॉपिकल मेडिकेशंस। अब उसके अंदर भी कुछ स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स है, कुछ पेन किलिंग क्रीम्स है या नमिंग क्रीम्स है, वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बट दैट इज समथिंग दैट आई डोंट रियली रेकमेंड। उसके अलावा देर आर ओरल मेडिकेशंस एज वेल, देर आर सम एंटी डिप्रेसेंट्स दैट आर गिवन फॉर दिस, देर आर सम नर्व रिलैक्सेंट्स दैट आर गिवन फॉर दिस, देर आर सम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विच आर गिवन फॉर दिस, एंड अगेन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस पर्टिकुलर वे ऑफ ट्रीटिंग अ पेशेंट, बट दीज आर सम अवेलेबल रेमेडीज दैट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। अब आती है बात, वॉट डू आई रिकमेंड। नंबर वन इज मेक श्योर दैट योर स्कैल्प इज नॉट टू ऑयली और टू ड्राई। ओके, बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प होगी तो भी दिक्कत है बिकॉज बिल्डअप कॉज होगा एंड फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, एंड बहुत ज्यादा ड्राई होगी तो जैसे मैंने आपको बोला कि क्रैकिंग होगी स्किन की, इलास्टिसिटी लूज कर देती है अपनी स्किन एंड उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। उसके अलावा डोंट ओवर स्टाइल योर हेयर और डोंट पुल योर हेयर। ओके, ओवर स्टाइल से मेरा मतलब यह है कि बहुत लोग ना बहुत एवरी डे ब्लो ड्राई करते हैं एवरी डे। अब वो एवरी डे ब्लो ड्राई के चक्कर में क्या होता है, स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है एंड वो बहुत ज्यादा ड्राई होने के चक्कर में फिर आप स्कैल्प पेन के शिकार हो जाते हो। कुछ लोगों को आदत होती है बैठे बैठे सिर्फ बाल खींचते रहते हैं, राइट, विच इज कॉल्ड ट्राइकोटिलोमेनिया। बट बाल खींचते रहते हैं एंड अनकॉन्शियसली होता है या सबकॉन्शियसली होता है, दे आर नॉट रियली अवेयर ऑफ इट, पर वो एक चीज आपको रोकनी है। उसके अलावा फिक्स योर डैंड्रफ इशू। सीबोरेक डर्मेटाइटिस मैक्सिमम केसेस के अंदर मैंने देखा है दैट दिस इज द रूट कॉज फॉर स्कैल्प पेन। वो एक बार फिक्स हो जाता है तो काफी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। इन माई केस पर्सनली इट वॉज बिकॉज ऑफ सीबोरेक डर्मेटाइटिस एंड ओवर स्टाइलिंग ऑफ हेयर। इसीलिए आपने देखा होगा शुरू में बहुत हेयर स्टाइल वाले वीडियो बनाता था मैं, यू नो, ब्लो ड्रायर यूज करना, हेयर प्रोडक्ट्स यूज करना, उसके बाद सब बंद हो गया बिकॉज दिस पेन वॉज रियली बैड। उसके बाद आता है फिक्स योर डाइट एंड ईटिंग पैटर्न। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मेरे इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पूरे सीरीज देखने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं दैट दे हैव टू फिक्स देयर लाइफस्टाइल एंड डाइट पैटर्न। ईटिंग पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू हैव योर ईटिंग पैटर्न अलॉन्ग विद द सर्कैडियन रिदम। सुबह खाओ, शाम को खाओ, खत्म करो मामला। बीच बीच में 500 बार खाने की जरूरत नहीं है, रात को देर रात तक जाग के खाने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओवरली डिपेंडेंट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन की कमी, फैट की कमी, स्पेशली सैचुरेटेड फैट की कमी इज द रीजन व्हाई लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन बिकॉज देयर entire diets are revolving around seed oils, omega-6 fatty acids, very very inflammatory fatty acids. So that is something that you have to take care of. Uske baad aata hai learning to modulate your stress. This is very 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 crucial. Okay, jin logo ko bahut zyada tension rehta hai, aajkal kisko tension nahi hai, every single person has a lot of stress. Okay, you need to know how to modulate it, you need to know how to moderate it, you need to know how to tackle it. Okay, अब कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस रिलीजिंग मतलब स्पोर्ट्स खेलना, डांस करना, वॉक पे जाना, जिम करना, इफ दैट्स योर वे यू डू दैट।
कुछ लोगों के लिए होता है योगा करना, ताइची करना, स्लो मूविंग एक्सरसाइजेस करना. दैट्स समथिंग दैट आई रियली रेजोनेट विथ, स्लो मूविंग एक्सरसाइजेस और विथ वॉकिंग. या फिर सम पीपल रेजोनेट विथ मेडिटेशन, चांटिंग, साउंड थेरेपी, राइट? Whatever is going to help you, you need to do a trial and error. You need to find out that, okay, this is something that works for me. This is something that I'm going to do. And you do it persistently. Uske baad aata hai refraining from excess masturbation. This is something that I have noticed personally as well. Whenever there have been times in the past where I've excessively done it, like maybe multiple times in a day or multiple times in a week, I have noticed this that very soon, shortly after that episode, I have had a lot of scalp pain. Okay, तो वो एक चीज ध्यान में रखना. उसके बाद कुछ लोग बिना सोचे समझे सीधा सीधा essential oil ही scalp के ऊपर डाल देते हैं. This is something that you have to be very very cautious about. Essential oils को directly नहीं डालना, because that can cause so much inflammation and so much redness that it will cause a lot of scalp pain. The next thing that you can do is get good sleep. Okay, getting 6 to 8 hours of sleep, undivided sleep, very very important. Lack of sleep is something that can cause a testosterone fluctuations, DHT fluctuations, insulin fluctuations, cortisol fluctuations. Sare hormones aapke kharab ho jate hain when you don't have proper sleep. More importantly, your body is not able to cope up with the stress, because of which you get a lot of tension, jiske wajah se scalp tight ho jati hai, jiske wajah se You guessed it right, scalp pain होता है. अब आप मुझे बोलोगे कि यार कुछ ऐसा बताओ कि मुझे अब स्कैल्प पेन हो रहा है, मैं ये सारी चीजें करने को रेडी हूँ, आई एम रेडी टू चेंज द डाइट, आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ स्टाइल, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग. लेकिन कभी कभी ऐसे होता है दैट द पेन इज जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल एंड आई नीड टू डू समथिंग इमीजिएटली. क्या कर सकते हो? रोज वाटर एंड डायल्यूटेड पेपरमेंट हाइड्रोसोल, दोनों के लिंक्स में डाल रहा हूँ नीचे, डोंट वरी अबाउट दैट. जब भी ऐसा लगे कि यार बहुत ज्यादा स्कैल्प पेन हो रहा है, सीधा रोज वाटर उठाओ और स्कैल्प के ऊपर स्प्रे कर दो. मसाज करने की भी जरूरत नहीं है. या फिर पेपरमेंट हाइड्रोसोल जो है वो ले लो, उसको डाइल्यूट करो पानी के साथ 50-50 कॉन्सेंट्रेशन के अंदर और उसको स्प्रे कर दो. दोनों से आपका जो है वो इन्फ्लेमेशन, टाइटनेस, सारी चीजें जो है वो कम हो जाएगी और पेन भी कम हो जाएगा. लेकिन वन मोर थिंग यू हैव टू फॉलो इज दैट स्कैल्प में स्प्रे करने के बाद इंस्टेड ऑफ मसाजिंग व्हाट यू नीड टू डू इज पिंच योर स्कैल्प. ओके, ऐसे स्कैल्प को उठाओ. ओके, जब आप स्कैल्प को उठाओगे स्कैल्प की टाइटनेस कम होगी, स्कैल्प थोड़ी सी लूज होगी एंड यू विल बी एबल टू रिलीव योरसेल्फ फ्रॉम द स्कैल्प पेन. लास्टली, इफ यू हैव ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स लेकिन ये सारे रेमेडीज ट्राई करने के बाद भी यू हैव नॉट सीन एनी इम्प्रूवमेंट, देन इट मीन्स दैट इट हैज टू डू विथ समथिंग विच इज वेरी डीपली रूटेड, needs medical attention and you need to go to a doctor and get yourself checked up. So, yes, this video is long. Yes, this video is packed with information. But I'm 100% sure that aaj aapko samajh mein aa gaya ki mujhe ye jo scalp pain ho raha tha, ye kyun ho raha tha. And reasons kya the? रूट कॉजेस क्या थे, सॉल्यूशंस क्या हैं अवेलेबल और मैं क्या कर सकता हूं. अगर आपको ये सारी चीजें मिली हैं इस वीडियो से, अगर आपको वैल्यू मिली है इस वीडियो से, आई वांट यू टू डू टू थिंग्स. वन इज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अ लॉट ऑफ पीपल सो दैट दे ऑल्सो हैव अ सॉल्यूशन टू दिस. एंड सेकेंड, कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी योर स्टोरी अबाउट स्कैल्प पेन. आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव दिस इशू बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे, बहुत सारा डीएम्स आए मुझे कि प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ. सो आई वॉन्टेड टू डू अ रिसर्च प्रॉपरली एंड मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज. सो इफ दैट्स द केस, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, प्लीज शेयर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू वॉन्ट कि इसका आर्टिकल पढ़ना है आपको, गो डाउन, देयर इज अ सरप्राइज इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. वी हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू, आई वॉन्ट यू गाइज टू शो योर लव ओवर देयर एज वेल. जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय गाइज.